गत 18 अप्रैल 2016 को त्रिपुरा की बेटी दीपा कर्माकर बेहद कड़े मुकाबले में 52.6 अंक पाकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी और ये उपलब्धि इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, गौरवशाली है, ऐतिहासिक है कि 52 सालों बाद किसी महिला, भारतीय महिला ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। पूरे देश में उन्माद का माहौल है, विशेषकर से देश की आधी आबादी में, लेकिन इस तमाम हर्षोल्लास के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी उपलब्धि किसी खिलाड़ी के स्वयं के कड़े परिश्रम, सतत अभ्यास और अटूट जज्बे का परिणाम है। इसमें हमारी सरकार और खेल संघों से मिलने वाले प्रोत्साहन की भूमिका लगभग शून्य है और इस दृष्टि से यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि दुनिया के तमाम देशों में विभिन्न खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों को नीतिगत और सुव्यवस्थित ढंग से बहुत सारा प्रोत्साहन सरकार की ओर से दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे देश में क्रिकेट को बहुत महत्व दिया जाता है और क्रिकेट के लिए बहुत सारी वित्तीय सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध है, लेकिन बाकी तमाम खेलों के लिए ऐसी विशेष दृष्टि नहीं रखी जाती है। विशेषकर से जिम्नास्टिक्स में जो अपेक्षित पोषण है उसके अभाव में आज भी खिलाड़ियों के लिए बहुत संघर्ष है और इस दृष्टि से दीपा कर्माकर की उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है और इस खेल में ओलंपिक्स की नुमाइंदगी के इसलिए भी बहुत मायने है क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम आज भी आम लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए आज मेरा हमारी सरकार से और माननीय खेल मंत्री जी से अनुरोध है कि भारत की यशस्वी बेटी दीपा कर्माकर को समय से विश्व स्तरीय सुविधाएं और उचित प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए जिससे त्रिपुरा की, भारत की ये बेटी ओलंपिक्स में पदक जीतकर देश का गौरव और सम्मान बढ़ा सके और देश की आधी आबादी का भी सम्मान बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।